आगामी देव उठनी 11 ईद मिलाद उन नबी एवं प्रकाश पर्व त्योहारों को देखते हुए शांति समिति की बैठक रखी गई। टीकमगढ़ शहर में अमन चैन का माहौल बना रहे इसको लेकर पुलिस कंट्रोल रूम में कानून व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन की अध्यक्षता में की गई। बैठक के दौरान त्योहारों को लेकर विशेष चर्चा की गई। साथ ही सुझाव दिए गए कि इस दौरान शहर के गणमान्य नागरिक सहित प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। टीकमगढ़ से मनोज खरे की रिपोर्ट। जो आगामी त्योहार हैं उसके संबंध में सातवें जो राम जन्मभूमि का बड़ा अहम मुद्दा है उसमें नगर में और ज़िले में शांति कायम रहे इसके संबंध में कलेक्टर एसपी ने जो चर्चाएं की उस पर नगर के लोगों ने शहर के लोगों ने अपनी जानकारियां दी और ये कहा है कि नगर के लोगों की जिम्मेवारी है ही है लेकिन इस सबको संवेदनशील ढंग से जो है लागू करने की आपकी भी जिम्मेवारी है। ये महत्वपूर्ण निर्णय हुआ है। इसके साथ ही जो है वो नगर के लोग ये चाहते हैं कि शहर के लोगों में हिंदू मुस्लिम और सिख इन सब में सामंजस्य बना रहे इसके लिए जो है वो समाज के लोग तो प्रयास करेंगे साथ में प्रशासन को भी ऐसा माहौल जो है वो बना के रखना चाहिए जिसमें जो अब जो उनकी ज़रूरतें हैं वो पूरी होती रहे और सामान्य वातावरण जो है वो बना रहे। जो आज शांति समिति की बैठक भी है और अधिकारियों की और राजस्व अधिकारी पुलिस की भी बैठक हुई क्या डिसीजन है? आज जो बैठक हुई है शांति समिति की उसमें आने वाले जो दो पर्व हैं उस पर पहले चर्चा की गई। ईद मिलादुन्नबी का पर्व आ रहा है अभी और 11 भी है, इसके अलावा अभी प्रकाश पर्व भी है, गुरु नानक देव की जयंती है। इन मुद्दों पे भी चर्चा हुई, उनमें किधर किधर से कैसे जुलूस निकलेगा, उसमें उनके प्रशासन से क्या अपेक्षाएँ हैं। इसके अलावा आप लोगों को विदित है ये भी माननीय से पूछने वाले के द्वारा अयोध्या मामले में वर्डिक्ट कभी भी आने वाला है तो उस मुद्दे पर क्या क्या एहतियात बरतना है। एहतियातन अभी निषेधाज्ञा भी धारा 144 के अंतर्गत लागू की गई है, उस विषय में भी शांति समिति के सदस्यों को अवगत कराया गया है कि उसमें क्या क्या उनको भी एहतियात बरतना है और उनके माध्यम से पूरे शहर में भी एक मैसेज जाए कि जब भी वर्डिक्ट आता है तो उसमें प्रतिक्रिया कैसे देनी है, कितना संयम रखना है। और हम लोगों को पूरी उम्मीद है कि जो भी वर्डिक्ट आएगा उसके बाद भी पूरे ज़िले में और शहर में शांति रहेगी, लोगों ने भी इस बारे में पूरा आश्वासन। गुरु सरदार सरब की पैदाइश के गुरु नानक जयंती में हम लोगों ने आज साहब के सामने आश्वासन दी, पूरी समाज ने पूरे शहर ने कि कोई भी फैसला आए किसी पक्ष में हम हमेशा स्वीकार है, किसी प्रकार की कोई पूरे शहर में शांति बनाए रखी किसी प्रकार की कोई इस तरह की चर्चा नहीं, जिसका विरोध हो इस फैसले का हम लोगों को जो भी हो स्वीकार। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।